तो हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो गाइस अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है तो कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइस अगर आप भी अपनी इमेजेस लगाकर कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो सबसे पहले आपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा कुछ इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने करना क्या, यहाँ पे एक बीट मार प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है और एक आपको HDR इफेक्ट मिल जाएगा, इसको भी इंपोर्ट कर लेना होगा। तो जैसे बीट मार प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करोगे तो देखो कुछ इस तरह से आपको लिरिक्स मतलब कि गाइस यहाँ पे लेयर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे सॉन्ग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सॉन्ग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और अगर आपको नहीं पता है कि बीटमार्क प्रोजेक्ट को कैसे अलाइट मोशन में इंपोर्ट करते हैं या जो भी मेरे मटेरियल्स होता है उसको कैसे डाउनलोड करना होता है, तो गाइस उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे रीडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिक यहाँ पे अलाइट मोशन में, बस इंपोर्ट की ऑप्शन में क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को आपने कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है गाइस, देखो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, बस आपको अपनी इमेज को यहाँ पर बस ऐड करना होगा, ठीक है। तो इमेज को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 9:16 की साइज में इमेज को क्रॉप कर लेना होगा, ठीक है। तो फोटो को क्रॉप करने के लिए हमने क्या करना है, बैक हो जाना है और यहाँ पर लाइट मोशन की होम स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ पर प्लस की आइकन पर क्लिक करके 9:16 की रेटियो को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद में प्लस पे क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आ जाना होगा और जहाँ भी गाइज आपने इस मतलब कि फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके रखा होगा जहाँ भी सिंपली फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा। मूव एंड ट्रांसफर में आकर कुछ इस तरह से फ़ोटोज़ को जूम करके फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके PNG के ऑप्शन को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर फिर से सेव की ऑप्शन आएगा तो सेव कर लेना, फिर फोटो को क्लिक करके डिलीट करके दूसरी फोटो को ऐड कर लेना, फुल स्क्रीन कर लेना, सेव कर लेना। तो गाइस कुछ इस तरह से आपने यहाँ पर 10 से 15 फोटो को कर लेना होगा और यहाँ पर देखो मैंने पहले से फोटो को क्रॉप करके रखा हुआ है इसलिए बैक हो जाऊँगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट में आ जाएंगे बीट मार्क में, ठीक है। अब गाइस देखो सबसे पहले हमने करना क्या है, ऊपर देखो आपको लिखा हुआ आ रहा है ऐड लिरिक्स वीडियो, तो इसको क्लिक कर लेना है, एक आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो उसको गाइस आपको ऐड करना है तो ओके कर लेते हैं। कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके गैलरी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैं जहाँ पे भी गाइस फोटो को सेव करके यानी वीडियो को सेव करके रखा हूँ यहाँ से आके गाइस ये देखो कुछ इस तरह से वीडियो मिलेगा, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना होगा। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको देख सकते हो योर इमेज लिखा हुआ है तो क्लिक कर लेना, कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके गैलरी में आ जाइएगा और यहाँ से गाइस हमने लाइट मोशन से फोटो को एडिट किया है तो उसी के फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पर फोटो को हमने सिलेक्ट कर लेना है। देखो गाइस जो मैं पहले जो फोटो ऐड किया था ना वो फोटो मतलब कि अलग अलग फोल्डर में है तो मुझे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं रैंडम फोटो को आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो चुका है, अब यहाँ हो गया गाइस फिर से देखो फोटो है, दो लेयर आपको दिख रहा है, इन दोनों में एक ही फोटो को सिलेक्ट करना यानी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके गैलरी में आके फिर से इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, तो दो फोटो एक ही में हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आगे आएंगे कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके गैलरी में आ जाएंगे और अपनी नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना होगा। फिर से आ गया ना कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके गाइस अपने फिर से नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना होगा। तो कुछ इस तरह से बस अपने अब वीडियो की एंड तक एक एक करके अपनी फोटोज़ को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लिक करेंगे और गैलरी में आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से फोटोज़ को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इधर भी क्लिक करके गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से फोटोज़ को क्लिक करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। इधर भी क्लिक करके गैलरी में आ जाएंगे फिर से गाइस यहाँ पर फोटोज़ को
क्लिक करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बस आपने वीडियो की एंड तक एक एक करके गए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे आपने वीडियो की एंड तक अपनी फोटोज़ को यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया गाइस, कुछ इस तरह से आप वीडियो की एंड तक अपनी फोटोज़ को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे फोटो ऐड कर लोगे गाइस, यानी ऐड कर लोगे, तो आपकी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। बस अब हमने क्या करना है, इफेक्ट में आ जाना है, एच डी आर इफेक्ट में। तो इसमें आपको 4 RGB यानी कि गाइस 4 आपको एच डी आर इफेक्ट्स मिल जाएगा, देखो कुछ इस तरह से। तो प्लस की आइकन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर्स पर क्लिक करके और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके कॉपी 4 लेयर पे क्लिक कर देना, इस वाले पे, ठीक है। और यहाँ से कॉपी करके बैक हो जाएंगे और बीट मार प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर सॉरी गाइस इधर आना, जहाँ से हमारी इमेजेस प्ले होने लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे आना है, ठीक है। और प्लस पे क्लिक करके पेस्ट 4 लेयर करना है, देखो जहाँ पर डबल लेयर यानी कि डबल फोटो हमने ऐड किया था ना गाइस, यहीं से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया है। अब इसकी ड्यूरेशन को आपने क्लिक करके एंड तक कर लेना होगा, अगर नहीं होगा तो मेरा पहले से गाइस एंड तक करके रखा हुआ है, तो ये इसलिए यहाँ पे एंड तक हो चुका है, ठीक है। अभी गाइस फाइनली हमारी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है, तो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से आप भी बहुत ईजिली बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली यहाँ पर शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।